in this session we are going to learn how the inventory turnover ratio can be calculated and once it is calculated how we are going to interpret the values of in inventory turnover ratio what it tells, tells about the overall efficiency of a company for which it has been calculated so companies calculate inventory turnover by considering the average inventory value jo ke li jati hai sum of Um, आपने वैल्यू लेना है बिगनिंग ऑफ द टाइम पीरियड के ऊपर इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है और एंडिंग ऑफ द टाइम पीरियड जो भी आपका एनालिसिस का टाइम पीरियड है एक साल है या सिक्स मंथ्स है उसके एंडिंग के ऊपर इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है ये दोनों वैल्यूज लेके आप उसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे और फिर आपने सेल्स की वैल्यू लेनी है या आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू लेनी है तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको फॉमूला हमने देखा एंड फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर अ कंपनी इन अ सर्टन ईयर वो $110. वन और बिगनिंग टाइम पीरियड के ऊपर उसके पास inventory थी एक सौ पचास डॉलर की एंड टाइम पीरियड के ऊपर उसी टाइम पीरियड के एंड पे जो inventory थी that was फॉर $180. एंड एवरेज आपने कैलकुलेट की वैल्यू ऑफ़ एवरेज से एक सौ दस डॉलर को आपने डिवाइड कर दिया तो आपके पास जीरो पॉइंट सेवन टाइम्स की वैल्यू आई सो so, ये हमें बता क्या रही है इस चीज़ को Uh, समझने के लिए मैंने एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया है आपको बताने के लिए कि हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का वैल्यू सो फॉर एग्ज़ाम्पल इन जनवरी 2018 थाउजेंड देर इज़ दिस वॉलमार्ट बिग ग्रोसरी स्टोर जिसके ढेर सारे ब्रांचेज़ हैं उन्होंने अपने एनुअल सेल्स रिपोर्ट किए 2018 जनवरी में uh, के उनके जो टोटल सेल्स हैं एनुअल उनकी वैल्यू बिलियन डॉलर्स है और उन्होंने ईयर एंड इन्वेंट्री रिपोर्ट की 43.78 बिलियन डॉलर्स की और कॉस्ट ऑफ़ गुड्स सोल्ड की वैल्यू उन्होंने रिपोर्ट की 373.40 बिलियन डॉलर्स की तो अगर हम वॉलमार्ट के लिए वॉलमार्ट स्टोर्स के लिए इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फॉर द ईयर टू तो इट वुड बी थ्री डिवाइडेड बाई फोर्टी अभी मैंने आपको बताया एवरेज कैसे कैलकुलेट करनी है एंड दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 8.53 सो 8.53 को आपने वन से डिवाइड किया और 365 डेज एक साल में होते हैं उसके सामने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आएगी वैल्यू फोर्टी की तो ये आपको बता रही है कि जो डेज सेल्स ऑफ इन्वेंट्री है या डेज इन्वेंट्री है दैट हेज़ बीन कैलकुलेटेड फॉर दिस एग्जाम्पल एज 42 डेज सो so, अभी मैंने आपको बताया था डेज इन्वेंट्री को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं इट इज़ बेसिकली गैप बिटवीन इन्वेंट्री एंड हाउ लॉन्ग द इन्वेंट्री टेक्स द शेप ऑफ सेल्स तो इसका मतलब है कि ऑन एवरेज 2018 में वॉलमार्ट स्टोर्स के अंदर कोई इन्वेंट्री पिक गई कंप्लीटली इन 42 टू डेज ऑन एवरेज सो दिस इज़ वॉट हाउ वी कैन इंटरप्रेट द वैल्यू और जितना भी आपका जो कैपिटल इंटेंसिव या इस तरह की इंडस्ट्री जहाँ इमीडिएट सेल्स नहीं होते जैसे हमने ग्रोसरी स्टोर में देखा कि एकदम सौदा जो भी उन्होंने सौदा सेलफ की चीज़ें रखी हुई होती हैं उनका जो साइकिल है इन्वेंट्री का और सेल्स का दैट इज़ रिलेटिवली शॉर्टर एज़ कम्पेयर टू अगर हम कोई और मशीनरी या इक्विपमेंट की बात करें या कोई जहाज़ों की सेल्स की बात करें तो वहाँ इन्वेंट्री और सेल्स में ज़्यादा गैप होगी तो यहाँ चूंकि ग्रोसरी स्टोर थी तो यहाँ आपको वैल्यू देखने को मिल रहा है फोर्टी टू डेज इसका मतलब है उनकी तमाम इन्वेंट्री विद इन बैतालीस दिन या फोर्टी टू डेज के अंदर सारी की सारी बिक जाती है सो दिस इज हाउ वी यूज द इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेज इन्वेंट्री टू अंडरस्टैंड कि हाउ क्विकली द इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ इट्स सेल्स एंड दैट ऑल्सो इंडिकेट्स हाउ एफिशेंट अ कंपनी इज